ये है बुध की उंगली। बुध की उंगली के नीचे जो पर्वत होता है ये है बुध पर्वत, और यहाँ पे जो इस तरीके की एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है विवाह रेखा। इससे हमें पता लगता है कि आपके स्पाउस का मतलब लुक्स कैसे होंगे, थोड़ा थोड़ा इससे आइडिया लगाया जा सकता है। और मतलब जैसे इससे पता लग जाता है कि आपकी जो शादी होगी वो किस क्या नेचर क्या होगा, अच्छी होगी कि नहीं होगी, तो इस तरीके का आइडिया मिल जाता है इससे। हाँ बस टाइम, इस यहाँ से सही टाइम नहीं पता लगता है। अब अगर आपकी जो विवाह रेखा है वो हल्की सी घूमी हुई हो, बहुत ज़्यादा नहीं घूमनी है, बहुत हल्का सा बेंड हो, तो अगर इस तरीके का है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही सुंदर होगा।